हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं गुब्बारे की तरह फूले फूले आलू के पराठे। तो ये है पराठा सीरीज का डे वन, जिसमें आज एक यूनिक तरीके से हम आलू के पराठे बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आपके पराठे फटेंगे नहीं, सख्त नहीं बनेंगे और गुब्बारे की तरह फूलेंगे भी। और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बहुत ही ज्यादा टेस्टी आलू के पराठे हम बनाने वाले हैं, जिससे कि इसे कोई भी आसानी से बना सके। बैचलर्स के लिए तो ये वीडियो वरदान साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की हम वीडियो को शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ग्राइंडर जार में एक टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है, 10 से 15 हमने काली मिर्ची ली है, 5 से 7 हमने लौंग ली है। इन सभी को हम एक ग्राइंडर जार में दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसेंगे, जिससे काफी अच्छा फ्लेवर और काफी अच्छा टेस्ट आएगा खड़े मसाले के हमारे पराठे में। अभी गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, आधा टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कली, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और जो खड़े मसाले हमने ग्राइंडर जार में तैयार किए थे ग्राइंड करके, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज हम यहाँ पे डाल देंगे और इन सभी को हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो फिर इसमें हम डालेंगे आलू। यहाँ पे 4 से 5 आलू को मैंने बॉइल करके छील करके उसको अच्छे से मैश कर लिया है, वो आलू हम यहाँ पे डाल देंगे। आलू को मसाले के साथ में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मसाले के साथ आलू को हम पकाएंगे, ताकि जो खड़े मसाले उनका टेस्ट आलू में अच्छे से इन्हेंस हो जाए। मसाले के साथ में आलू को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, नमक डालेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। फिर इन सभी मसालों को आलू के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखिए प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मसाला आलू में, काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है। फिर इसमें हम डालेंगे नींबू, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आलू के पराठे को बहुत टेस्टी बनाने के लिए। फिर इसमें डाल देंगे हम फ्रेश धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ता, ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है, देखने में लग रही है ना लाजवाब। तो चलिए अब चलते हैं आलू पराठा बनाने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले आटे की हम लोई लेंगे, उसको दोनों हाथों की मदद से गोल गोल करके इस तरीके से अच्छे से मीड लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आटा फटे नहीं, जिससे कि हमारे आलू के पराठे होंगे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और फटेंगे नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके हम लोई को दोनों उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमा करके इस तरीके से इसमें गड्ढा बना लेंगे, जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उसके स्टफिंग करते हैं। इसके बाद आलू की स्टफिंग इसमें हम भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद में दोनों हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमा करके इसके मुँह को सिल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलता है, कहीं भी फट जाता है। आई मीन इसके मुंह को बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल करके उसी आटे में मिला देंगे। और ये लीजिए हमारी लोई तैयार है। अब इस लोई में हम लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद में दोनों साइड से हम अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद में हम इसको हल्के हाथों से दबाएंगे, जिससे कि जो मसाला है इसका चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। और इसके बाद हम बेलन की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे गोल गोल घुमा करके। ज़्यादा वजन नहीं देना है, हल्के हाथों से घुमाना है, ताकि हमारी चटनी बाहर नहीं आएगी। ये देखिए पराठे में कहीं भी चटनी बाहर नहीं आई है, प्रॉपर बना है। इसके बाद हम इसको डालेंगे तवे पे। ध्यान रखना है तवे पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह पहले से नहीं लगाना है, अभी इसको टच नहीं करना है और मीडियम फ्लेम पे नीचे से पकने देना है। जैसे ही नीचे से हल्का सा ये गोल्डन हो जाता है तब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हल्का सा नीचे से गोल्डन हो गया है। इस पर अभी हम ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। ब्रश से हम इसलिए ऑयल लगा रहे हैं जिससे कि हमारे जो पराठे हैं वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऑयल लगाने के बाद में हम इसको पलट देंगे। इसके बाद इस साइड से भी हम पूरे पराठे पर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे, जब तक हमारा जो पराठा है वो नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा। पूरे पराठे पर ऑयल लगाने के बाद में हम इसको पलटेंगे, तो देखिए हल्का सा इधर से पक चुका है। फिर मैसर की मदद से हल्के हल्के हाथों से दबा करके हम पराठे को अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि हमारा पराठा इस कोने से उस कोने तक अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए पराठा कहीं भी कच्चा नहीं दिख रहा है और अच्छे से पक चुका है। तो ये लीजिए हमारा लाजवाब आलू का पराठा बनकर तैयार है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारे जो पराठे हैं वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। और इसी तरीके से हम अपने बाकी के बचे हुए पराठे भी बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम बन रहे हैं ना फूले फूले लाजवाब आलू के पराठे। इन्हें देखकर तो मेरे मुँह में पानी आ गया है और आपके मुँह में तो पक्का आ ही गया होगा। ये देखिए हमने इतने सारे आलू के पराठे बना लिए हैं, लगभग 8 से 10 आलू के पराठे हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए एक आलू का पराठा मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि आलू का पराठा चारों तरफ से अच्छे से पक चुका है, कहीं भी कच्चा नहीं दिख रहा है और इसकी स्टफिंग भी देखिए अंदर तक पूरी अच्छे से भरी हुई है। तो ये आलू के पराठे को मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो ये आलू का पराठा मैंने कट किया और इसकी ऊपर की लेयर आप देखिए कितनी पतली है। आलू का पराठा इतना गर्म है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है।
ये देखिए परत कितनी पतली है और स्टफिंग भी अंदर तक पूरे इस कोने से उस कोने तक भरी हुई है। ऐसे आलू के गर्म गर्म पराठे चटनी के साथ मिल जाए है मज़ा ही आ जाए एकदम। यार इस पराठे को आप छोड़िए, चले मैं आपको एक और पराठा दिखाता हूँ जिसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए ये वो पराठा है जो कि चारों तरफ से अच्छे से पका हुआ है, कहीं भी कच्चा नहीं है। और ये देखिए इसको मैंने काटा नहीं है, खुद ब खुद निकल गया है और इतना गर्म है ये कि इसमें से धुआं निकल रहा है। और ये देखिए इतना पतला है कि आटा कम है और स्टफिंग ज़्यादा है, इसको खा करके तो मज़ा ही आ जाएगा। स्टफिंग इस कोने से उस कोने तक पूरी बराबर से भरी हुई है। तो आपको हमारे ये आलू के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।